हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज, हाइड्रोफोबिया रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन किया गया था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम महाकाव्य। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री। खेल गोपाल किस राज्य से संबद्ध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम से संबद्ध है खेल गोपाल। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है। किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? शेर शाह ने पहले हजरते आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आर्थिक उदारीकरण, सार्वभौमिकरण तथा निजीकरण की नीति का सूत्रपात किस वर्ष से किया गया था? 1991 से किया गया था। आर्थिक उदारीकरण, सार्वभौमिकरण तथा निजीकरण की नीति का सूत्रपात 1668 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी? फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कुर्गा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है कुर्गा, कुर्गा कर्नाटक। ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी की अचानक चलने से यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, ये किस कारण होता है? विराम जड़त्व के कारण। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग दो में उल्लेख है नागरिकता के संबंध में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सिखों का 10वां और अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। पाखु पीला किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम का लोक नृत्य है पाखु पीला। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? आयन मंडल में अवस्थित किए जाते हैं संचार उपग्रह। इनसेट 1A को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 1982 ईस्वी में इनसेट 1A को प्रक्षेपित किया गया था। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है इंडिया इज फॉर सेल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई थी? 1846 की लाहौर संधि हुई थी। डंडा नाट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डंडा नाट। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात हुई एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।